हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चेहरे के रंग को निखारने का और चेहरे को ग्लोइंग बनाने का आसान सा इफेक्टिव होम रेमेडी बताने जा रही हूँ। यह नुस्खा आपके चेहरे के रंग को बहुत ज्यादा निखारेगा, साथ ही इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की झुर्रियां दूर होंगी, झाइयां दूर होंगी और आपकी त्वचा ग्लो करेगी। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को जरूर क्लिक कर ले नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चेहरे की झाइयां झुर्रियों को दूर करके त्वचा को गोरा, निखरा और बेदाग बनाने के लिए मैं जो नुस्खा बता रही हूँ, इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। आपको मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। यह हमारी त्वचा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके इस्तेमाल से हमारी त्वचा टाइट होती है, साथ ही यह हमारी त्वचा को अच्छे से क्लीन करता है, हमारी त्वचा को निखारने में काफी मदद करता है। आपको मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लेना है। अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है दूध। आपको इसमें कच्चा दूध इस्तेमाल करना है, लगभग 2 चम्मच। इसके बाद आपको इसमें मिक्स करना है शहद। शहद मॉइस्चराइजर का काम करता है, साथ ही यह हमारी त्वचा को ग्लोइंग भी बनाता है। कच्चे दूध के इस्तेमाल से हमारी त्वचा अच्छे से क्लीन होती है, साथ ही यह हमारी त्वचा के रंग को निखारता है और हमारी त्वचा के दाग धब्बों को मिटाने में काफी मदद करता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आपको एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इस तरीके से यह आपकी त्वचा के रंग को निखारने के साथ ही आपकी त्वचा को स्मूथ बनाएगा और आपकी त्वचा के झुर्रियों, झाइयों को दूर करने में काफी मदद करेगा। इसे आप अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं। लगाने के बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब यह ड्राई हो जाए तो इसे नॉर्मल पानी से आप धो लें। इसका इस्तेमाल हफ्ते में 3 से 4 बार करें। आप चाहें तो रोजाना कर सकते हैं। यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, आपकी त्वचा में बहुत ज्यादा निखार लाएगा, साथ ही आपकी त्वचा को टाइट और ब्राइट बनाएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।